सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त विश्वेंद्र रावत। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ गॉड्स वल्नरेबिलिटी के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। सो एक मैकेनिज्म है ये, जब कभी भी आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर को, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ सब लोगों के पास नहीं जानी चाहिए। तो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो आ रही है या फिर पर्टिकुलर वेबसाइट से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसी को भेज सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि आप एक्स वाई जेड वेबसाइट चला रहे हैं और आपके जो रिक्वेस्ट आप रिक्वेस्ट करते हैं abc.com को, मेरे को ये डेटा चाहिए, ABC वेरीफाई करता है और देखता है कि एक्स वाई जेड से ही आ रहे हैं, तो वो डेटा भेज देता है। बट अगर मान लो कि CDE एक वेबसाइट है, वो ये रिक्वेस्ट कर रही है, तो क्या होगा कि ABC उसको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि वो पर्टिकुलर डोमेन से नहीं आ रही। सो इसी को हम क्रॉस वल्नरेबिलिटी बोलते हैं कि आपका जो रिसोर्स है वो उसी वेबसाइट को मिले जिसके पास पर्टिकुलर एक्सेस है, प्रायर रिक्वेस्ट है, प्रायर अप्रूवल है, उसी को मिले। तो इसमें आपको दो चीज़ें देखनी होती है, एक होता है रिस्पॉन्स हेडर और दूसरा होता है रिक्वेस्ट हेडर। तो रिस्पॉन्स जो क्लाइंट, जैसे आप मैंने कोई क्लाइंट हूँ, मैंने वेबसाइट के थ्रू रिक्वेस्ट करी सर्वर को, तो वो रिस्पॉन्स भेजते मैंने रिक्वेस्ट किया, तो ये दो जनरल सिनेरियो होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस वल्नरेबिलिटी। आई ट्राई टू शो यू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। So please like, share, comment and subscribe my channel Security One, and keep sharing with your loved ones, with your family, with your, you know, development guys, with the cyber security guys. And I hope, you know, I'll be able to upload similar videos like this and able to help you out. Thank you.